अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। नमस्कार, आप देख रहे हैं firstbite.tv। मेरठ पुलिस व संयुक्त व्यापार संघ की दांव पर लगी प्रतिष्ठा से जुड़े मामले की जांच शुरू हो गई है। कुख्यात बदन सिंह बद्दो की फरारी प्रकरण में फंसे मुकुट महल के मालिक मुकेश गुप्ता को बचाने के एवज में संयुक्त व्यापार संघ अध्यक्ष नवीन गुप्ता ने 10 लाख रुपए लिए अथवा नहीं लिए। यह पैसा एसपी सिटी के नाम पर लिया गया अथवा नहीं लिया गया। यह धनराशि पुलिस को दी गई अथवा नहीं दी गई। 10 लाख रुपए मुकेश गुप्ता के भाई ने रिश्वत के लिए दिए अथवा नहीं दिए। ये वे तमाम सवाल हैं जिनकी अब जांच शुरू हो गई है। आज व्यापार संघ अध्यक्ष नवीन गुप्ता के अलावा उन तमाम व्यापारियों के भी बयान दर्ज किए गए जो 17 मई 2019 की उस बैठक में शामिल होने बताए गए हैं, जिसमें मुकुट महल मालिक मुकेश गुप्ता के भाई नरेश से नवीन गुप्ता का समझौता हुआ था। उस वक्त लिया गया फोटो भी जांच अधिकारी के समक्ष पेश किया गया। नरेश कंसल का आरोप है कि नवीन गुप्ता ने एसपी सिटी अखिलेश नारायण सिंह को देने के नाम पर 10 लाख रुपए उनसे लिए थे। यह धनराशि बद्दो फरारी प्रकरण में फंसे मुकेश गुप्ता को बचाने में होटल पर सील न लगने की एवज में दी गई थी। बाद में जब काम नहीं हुआ और बदनामी शुरू हो गई तो यह धनराशि टुकड़ों में वापस की गई। नरेश का आरोप है कि 2.5 लाख रुपए यह कहते हुए नहीं दिए गए कि वे वापस नहीं आए हैं। इस पर अलकनंदा रिजॉर्ट में यह बैठक हुई। आज पुलिस अधीक्षक देहात गाजियाबाद के समक्ष सभी ने बयान दर्ज कराए। अधिकांश का कहना था कि जिस वक्त वे अलकनंदा पहुंचे, नरेश यह बता रहे थे कि उनकी मनोदशा ठीक नहीं थी। ऐसे में लगाए गए आरोपों से किसी को ठेस पहुंची हो तो वह खेद जताते हैं। वहीं नवीन गुप्ता ने कहा कि पैसा नहीं बल्कि मदद करने में असमर्थता जताने के कारण नरेश उनसे नाराज हैं और यही कारण है कि अब इस तरह के अनर्गल आरोप लगाए जा रहे हैं। बता दें कि 28 मार्च को पुलिस की मिलीभगत से मुकुट महल पहुंचा बदन सिंह बद्दो भाग निकला था। 28 मार्च को ही मेरठ में पीएम नरेंद्र मोदी की रैली थी और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम का दावा किया गया था। बावजूद इसके बदन सिंह बद्दो बिना किसी परेशानी के भाग निकला। उस वक्त मेरठ के कप्तान नितिन तिवारी जबकि एसपी सिटी पद का दायित्व तो तभी से अखिलेश नारायण सिंह के पास चला रहा है। 16 माह हो गए लेकिन पुलिस भले ही उसे ढूंढ नहीं पाई हो, लेकिन उसने पिछले 15 दिन में दैनिक अखबारों के पत्रकारों से बात जरूर की है। संभावना जताई जा रही है कि बदन सिंह फिलहाल पंजाब के किसी प्रभावशाली के ठिकाने पर छिपा हुआ है। इस खबर में आज इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। नमस्कार।